नर्मदा बचाओ आंदोलन द्वारा डूब प्रभावितों के उचित पुनर्वास व मुआवजे की मांग को लेकर भू अर्जन कार्यालय का किया था घेराव, जहां मौजूद अधिकारियों से सवाल जवाब तलब कर जमकर नारेबाजी की गई थी। वहीं विभाग के अधिकारियों द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं देने पर विभाग के सामने धरने पर बैठ गए डूब प्रभावित। विभाग के सामने डूब प्रभावित तीन दिन से दिन व रात्रि का धरने पर बैठे हुए डूब प्रभावितों ने कल रात्रि में मशाल रैली निकाल कर अपना विरोध दर्ज किया। ट्रैक्टर संघ ने स्थानीय विधायक कार्यालय में कैबिनेट मंत्री प्रेम सिंह पटेल को खनिज विभाग द्वारा FIR के खिलाफ सौंपा ज्ञापन। नगर में ट्रैक्टर मालिक संघ द्वारा खनिज विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई कर ट्रैक्टर पकड़ उन पर FIR दर्ज की जाने के बाद गुरुवार ट्रैक्टर मालिक संघ के सदस्यों ने स्थानीय विधायक कार्यालय पहुँच कैबिनेट मंत्री प्रेम सिंह पटेल को ज्ञापन सौंप खनिज विभाग द्वारा ट्रैक्टर पकड़ FIR कर कोर्ट में पेश किया जा रहा है, जिससे ट्रैक्टर मालिक संघ को आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ रहा है। वहीं कैबिनेट मंत्री से मांग करते हुए ट्रैक्टरों को खनिज विभाग द्वारा पकड़े जाने पर आर्थिक दंड कर छोड़े जाने की मांग की गई है। वहीं ज्ञापन में ट्रैक्टर संघ द्वारा ज्ञापन में बताया कि अन्य जिलों में खनिज विभाग द्वारा ट्रैक्टर पकड़ आर्थिक जुर्माना लगाकर ट्रैक्टर छोड़ दिए जाते हैं, जिससे उन्हें आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है। बड़वानी कोतवाली पहुंचकर जायज संगठन ने दिया ज्ञापन। जायज संगठन ने बताया कि धार निवासी अशोक राठौड़ द्वारा सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी की गई है, जायज को लेकर इनके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाए। 22 जुलाई को संगीत के बेताज बादशाह मुकेश जी का जन्मदिवस बड़वानी में मनाया गया। गुरमीत सिंह गांधी फैंस क्लब द्वारा स्थानीय होटल शिवशंकर में मुकेश जी के गीतों की रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़वानी खरगोन अंजोड़ राजपुर मनावर दवाना पलसुद राजगढ़ की 10 महिलाएं गायक एवं 26 पुरुष गायक सम्मिलित हुए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रसिद्ध संगीत मर्मज्ञ गुरु जी श्री सतीश गोथरवाल जी थे। विशेष अतिथि जितेंद्र जैन, सुरेश पटेल एवं मनीष तिवारी थे। मां सरस्वती का पूजन करने के बाद मुख्य अतिथि ने शास्त्रीय संगीत की महत्ता के बाद शास्त्रोक्त संगीत का महत्व बताया और कार्यक्रम का संचालन अनिल जोशी द्वारा किया गया। नगर केसतपुड़ा कॉलोनी के मेन रोड एवं पानी की समस्या को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष के समक्ष सतपुड़ा के रहवासियों ने अपनी समस्या बताई। वही नपा अध्यक्ष द्वारा नगर में सरकार के तीन तीन शीर्ष नेता होने के बाद भी नगर पालिका को फंड नहीं मिलने की बात कही। नर्मदा का जल स्तर में कमी होने से नगर में जल संकट तो गहरा गया है, जिससे नगर में हर तरफ पानी नहीं मिलने से लोग परेशान हैं। वहीं सतपुड़ा कॉलोनी के मंदिर प्रांगण में पौधारोपण करने आए नपा अध्यक्ष लक्ष्मण चौहान के समक्ष महिलाओं ने अपनी पानी नहीं मिलने और कॉलोनी के मेन रोड की समस्या से अवगत करवाया। नपा अध्यक्ष द्वारा नगर में सरकार के तीन शीर्ष पदों पर नियुक्त नेताओं द्वारा कई बार फंड मांगे जाने पर भी फंड नहीं मिलने की बात कही। वह कोई भी काम के लिए पैसा जरूरी है, जनप्रतिनिधियों ने नगर के विकास की ओर ध्यान देना चाहिए। क्या नाम है आपका? हिमानी कड़ेल नाम है मेरा। कहाँ रहते हैं? सतपुड़ा कॉलोनी बड़वानी में। क्या समस्या को लेकर एकत्रित हुए? आज हम हमारी सब एकत्रित हुए हैं कि पानी की समस्या को लेकर, कि जिस तरीके से नर्मदा का जल स्तर पहले भी बढ़ा हुआ था, तब भी ये परेशानियां थी कि पानी बराबर मात्रा में आ ही नहीं रहा था, 5 मिनट 10 मिनट, और कई घरों में तो पानी पहुँच भी नहीं रहा है। और आज भी वही समस्या है, जल स्तर कम होने पर भी, ज़्यादा था तब भी यही समस्या थी और कम था तब भी यही समस्या थी। और रोड का लेकर भी हम समस्या, मेन रोड पे भी मतलब कई टाइम से हम लोग ज्ञापन भी दे चुके, आवेदन भी दे चुके, पर कोई उसका समाधान नहीं हुआ है। बारिश के समय पर पूरा मतलब भरा जाता है, कई बार लोग गाड़ियां गिरती है, उसको लेकर भी हम लोग आज लक्ष्मण नगर पालिका अध्यक्ष लक्ष्मण चौहान भैया से बात करने के लिए एकत्रित हुए। अध्यक्ष महोदय, सतपुड़ा कॉलोनी के लोगों की समस्या है कि यहाँ रोड की परेशानी और पानी की परेशानी आ रही है, क्या कहेंगे? मेन रोड जो है वो उखड़ा हुआ है, गली की रोड भी और कुछ गलियों की रोड भी उखड़ी हुई है। हमारे यहाँ क्या है, मंत्री महोदय है, सांसद महोदय है, राज्यसभा सांसद महोदय है, इनसे मैं बार बार निवेदन करता हूँ कि नगर पालिका परिषद को फंड की व्यवस्था कराए। मैंने कई बार लिख के दिया, कई बार मेरा व्यक्तिगत रूप से भी बात हुई, परंतु कहीं से भी फंड की व्यवस्था नहीं रही है।
अब सीवर लाइन डल रही है, वो पूरे रोड उखाड़ रही है, MPUDC काम करा रही है, उसका अध्यक्ष माननीय शिवराज सिंह जी है, मुख्यमंत्री है, तो उनको भी ध्यान देना चाहिए कि रोड अगर खोद रहे हैं तो तत्काल बनाना चाहिए। अब ये सब सारी समस्याएं हैं और सरकार वाले लोग हैं, बड़े बड़े पदों पे हैं, और बड़वानी में जो वर्तमान स्थिति है ऐसी स्थिति कभी नहीं आएगी। बड़वानी से मंत्री है, राज्यसभा सांसद है, लोकसभा सांसद है, इसलिए इन सबको बड़वानी नगर के बारे में भी ध्यान देना चाहिए। विकास के संबंध में मेरी कई बार चर्चा हुई है, प्रभारी मंत्री से भी मिलेंगे अब आएगा तो अगली बार, कि फंड की व्यवस्था करें। फंड की व्यवस्था हो जाएगी तो हम पूरी व्यवस्थाएं सुधार देंगे। सतपुड़ा कॉलोनी का रोड है, ये भी बनवा देंगे, और जो भी समस्याएं हैं वो हल कर देंगे। पैसे के बगैर कोई काम नहीं होता है, इसलिए फंड आ जाए तो हम काम कर देंगे। दूसरी बात पानी की, तो पानी अभी वर्तमान में नर्मदा में पानी कम हो गया है, इस कारण से हमारी एक 90 हॉर्स पावर की मोटर बंद हो गई है, तो पानी की थोड़ी सी समस्या आ रही है। हमने एस्टीमेट बनवा लिया है, अभी पानी के लिए एक स्पेशल नगर पालिका परिषद की मीटिंग रखी थी, उसमें हमने जो मोटर 90 हॉर्स पावर की दो है और एक 150 हॉर्स पावर की दो है, तो 90 हॉर्स पावर की एक मोटर बंद हो गई है, इस कारण से नगर को पानी कम मिल पा रहा है। हमने प्रस्ताव पारित कर लिया है कि जो 90 हॉर्स पावर की दो मोटर है उसको बदल के 150 हॉर्स पावर की मोटर कर देंगे, जिससे क्या होगा कि अभी जो मोटरें चलती है तो वाइब्रेशन होता है और पंखा और पाइप टूटने की संभावना बनी रहती है, इस कारण से एक ही मोटर चला रहे हैं, तो ये समस्या हल कर देंगे। दूसरी बात, जब तक फंड नहीं आएगा तब तक हम नगर का विकास नहीं कर पाएंगे। हमें फंड की व्यवस्था अगर सरकार में बैठे हुए लोग कर देंगे तो हम शीघ्र ही यह सतपुड़ा का रोड बना देंगे। इसके पहले सीवर लाइन डलेगी, उससे भी मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जल्दी से सतपुड़ा में जो सीवर लाइन डालना है वो डाल दे, ताकि हम ये रोड बना दें।